Assalamu alaikum everyone, my name is Imran Shabazz and I am a health and safety consultant and trainer. Today's session will be topic of NEBOSH HSC certificate in PSM, process safety management versus NEBOSH IOG, international technical certificate in oil and gas safety. Today we will discuss that both pros and cons. Today we will discuss that if we want to compare them, तो किस क्वालिफिकेशन में क्या चीज जो है वो दी गई है NEBOSH की तरफ से. एक्चुअली वी कैन से कि हम एक एनालिसिस कर रहे होंगे कि आपको किस क्वालिफिकेशन के लिए जाना चाहिए या कौन सी क्वालिफिकेशन आपको क्या फायदा दे सकती है. सो इसको हम प्रेजेंटेशन फॉर्म में जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे. लेट्स मूव फर्दर विद द प्रेजेंटेशन जिससे आपको फर्दर जो डिटेल है या तफसील मुहैया की जाएगी. हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे थे NEBOSH PSM और इसी तरह NEBOSH IOG के हवाले से. कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे हम इस डिस्कशन के दौरान. हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे. हम बात कर रहे होंगे दोनों के डिफरेंसेस की और दोनों का क्वालिफिकेशन लेवल क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, आपकी टारगेट वर्कप्लेस इंडस्ट्री क्या हो सकती है, तो वो उस पर हम बात कर रहे होंगे. अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले NEBOSH PSM में देखें. NEBOSH PSM को जो लेवल दिया गया है क्वालिफिकेशन लेवल, उसमें लेवल 4 जो है वो इंग्लैंड वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर दिया गया उसको लेवल. और इसी तरह लेवल 7 जो है वो अंडर स्कॉटिश क्वालिफिकेशन अथॉरिटी जो है या क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 7 कंसिडर किया जा रहा है. टारगेट ऑडियंस की जब हम बात करते हैं तो मैनेजर्स जो हैं उनके लिए ये सूटेबल क्वालिफिकेशन है किसी भी लेवल के प्रोसेस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं. सुपरवाइजर्स जो प्रोसेस प्रोडक्शन या प्रोसेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव्स जो ऑन साइट किसी भी तरह से नॉमिनेटेड है विद देयर हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एंड हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर्स जो इवन एस्पायरिंग हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर भी हैं और इसमें पहले से एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं. दे कैन बी एक्चुअली टारगेट ऑडियंस फॉर दिस क्वालिफिकेशन एज वेल. जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो टारगेट इंडस्ट्री जो है वो आपकी प्रोसेस इंडस्ट्री किसी भी तरह की, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, केमिकल्स इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा शामिल है. अब इसी तरह अगर हम आईओजी की बात करें तो आईओजी भी सेम लेवल पे फॉल कर रहा है क्वालिफिकेशन लेवल में. लेवल 4 इन इंग्लैंड वेल नॉर्दर्न आयरलैंड और इसी तरह लेवल 7 अंडर एसक्यूए. टारगेट ऑडियंस जब हम बात करते हैं तो वहां पे मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, एम्प्लॉई रिप्रेजेंटेटिव और न्यूली अपॉइंटेड हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर या हेल्थ सेफ्टी एडवाइजर्स जो है वो टारगेट ऑडियंस है सिर्फ ऑयल एंड गैस केस के अंदर. जब हम बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ टारगेट जो इंडस्ट्री है वर्क प्लेस है वो ऑयल एंड गैस ऑनशोर ऑफशोर है. सो अब दिस इज मेन डिफरेंस. पीएसएम जो है वो मेनली काफी सारे वर्क प्लेसेस को, काफी सारी जो इंडस्ट्रीज है उसको टारगेट कर रहा है, जबकि NEBOSH ऑयल गैस सिर्फ और सिर्फ ऑयल गैस को ही टारगेट कर रहा है. कॉन्टेक्स्ट पे जब हम आते हैं तो पीएसएम 1 एक रिटन आपका जो एग्जामिनेशन है एमसीक्यूज टाइप, जबकि NEBOSH IOG 1 जो है एक रिटन एग्जामिनेशन है 2 घंटे का जो आपने कंप्लीट करना है आईओजी के केस के अंदर. पीएसएम में जो है वो प्रोसेस सेफ्टी लीडरशिप पढ़ाई जाएगी, मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस रिस्क पढ़ाए जाएंगे, प्रोसेस सेफ्टी हैजर्ड कंट्रोल पढ़ाए जाएंगे, फायर प्रोटेक्शन एंड एमरजेंसी रिस्पांस पढ़ाया जाएगा. देयर एज अगर आप बात करते हैं आईओजी की तो वहां पे हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट पढ़ाई जाएगी. हाइड्रोकार्बन प्रोसेस सेफ्टी 1 है प्योरली फॉर ऑयल एंड गैस, हाइड्रोकार्बन प्रोसेस सेफ्टी 2 प्योरली फॉर ऑयल एंड गैस, फायर प्रोटेक्शन एंड एमरजेंसी रिस्पांस अगेन फॉर ऑयल एंड गैस, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन जो है ये प्योरली ऑयल एंड गैस के लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन है जिसमें आपके बाउजर्स भी हो सकते हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिसमें आपके वेसल और शिप भी हो सकते हैं फॉर इवन फॉर एलएनजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इसमें आपकी जो है ऑफशोर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिविजुअल भी शामिल है. अब दोनों में फर्क क्या है कि एक जो है वो प्योरली ऑयल एंड गैस को फोकस कर रहा है जबकि दूसरा हर तरह की प्रोसेस इंडस्ट्री को फोकस कर रहा है, चाहे वो आपकी प्रोसेस इंडस्ट्री जो है केमिकल्स के हवाले से है, चाहे वो आपकी प्रोसेस इंडस्ट्री जो है वो प्लास्टिक के हवाले से है, चाहे वो आपकी प्रोसेस इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल के हवाले से है, चाहे वो आपकी प्रोसेस इंडस्ट्री ऑयल एंड गैस के हवाले से है. सो इट फोकसेस ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज विद रिगार्ड्स टू प्रोसेस सेफ्टी. और जबकि दूसरा सिर्फ और सिर्फ जो है स्पेसिफिकली हाइड्रोकार्बन ऑयल एंड गैस सेफ्टी जो है उस पर फोकस कर रहा है. तो दोनों का एनालिसिस यहाँ पे दिया गया है. दोनों क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज हैं, दोनों क्वालिफिकेशन जो है वो वैल्यूएबल क्वालिफिकेशंस हैं. हाउएवर करंट सिनेरियो के तहत जो है डिफरेंट प्रोसेस इंडस्ट्रीज के लिए सबसे सूटेबल क्वालिफिकेशन NEBOSH HSC सर्टिफिकेट इन PSM जो है वो कंसिडर किया जाना चाहिए. और ऑफकोर्स ये आपको हर तरह की प्रोसेस इंडस्ट्री में जो हमने बताई है, चाहे वो फर्टिलाइजर है, चाहे ऑयल एंड गैस है, चाहे फार्मास्यूटिकल है, चाहे प्लास्टिक है, चाहे केमिकल है, उसमें ये आपको जो है वो हेल्प आउट करेगी जॉब प्लेसमेंट के अंदर और प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट को इफेक्टिवली लीड करने के लिए.